अशोक वाजपेयी जी जितने बड़े संस्कृत कर्मी कवि आलोचक वगैरह हैं, कौतुक भी बहुत अच्छा करते हैं। तो एक कौतुक इन्होंने ये किया कि दो गोरखपुर के लोगों को बुलाया, बारह सवाल लोग लड़ेंगे और कौतुक उसमें यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो शाही से मिले भी हैं, उनका इंटरव्यू भी लिया है, उन पर सबसे ज्यादा पढ़ा है और लिखा भी है, और उसके ठीक उलट दूसरे ऐसे व्यक्ति को बुलाया है जिसने ना तो मुलाकात का सौभाग्य नहीं मिला और पढ़ा भी बहुत कम है और लिखा बिल्कुल नहीं है। यहां के लिए लिख जरूर रहा हूं अगर लिख पाया तो। हमारे अग्रज अरविंद त्रिपाठी जी कह ही चुके हैं कुछ बातें, और मैं 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। बात ये है कि दो किताबें मैंने इस सेमिनार में जब आना तय किया, उसके पहले अपनी विद्यार्थी जीवन में दो ही किताबें मैंने पढ़ी थी, एक तो साखी और एक ये साहित्य क्यों। साखी ये बात मैं इसलिए कह दे रहा हूं कि आप ही ये काम कर सकते हैं और कोई दूसरा करेगा नहीं। जब मैंने दोबारा साखी पढ़ने के लिए खोजना शुरू किया तो जो किताब मिली और जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी, दोनों में बड़ा फर्क मैंने उसकी सज्जा में। और मुझे याद है कि उस पर एक इस आकार की छपी हुई किताब थी और उस पर एक पत्थर पर एक चिड़िया बैठी स्वामीनाथन की पेंटिंग थी, तो मेरा मन ही नहीं हुआ कि इसको पढ़े। लेकिन तब तक ये गोपेश्वर जी ने मेहरबानी की और अपना वो संचयन दे दिया। तो वैसा ही क्या वो नहीं निकल सकता है जैसे वो निकला था, ये बात मैं आपसे कहना चाहता था, कह दिया मैंने। साहित्य क्यों, ये सवाल शायद पहली बार किसी बड़े आलोचक ने उठाया है। उसके पहले तो साहित्य क्या वाला सवाल होता था और रामचंद्र शुक्ल के निबंध की चर्चा हो ही रही है, और निबंध को पढ़िए तो क्यों उठाया साहित्य क्यों का सवाल कोई लेखक क्यों उठाया। गालिब के उस शेर की भी चर्चा हुई जिससे वो लेख शुरू होता है। बार ऐसा लगता है कि अपने लेखन से या कि लेखन मात्र से जो अपेक्षा रहती है लेखक को, जब मुकाम आता है, जब उसको लगता है कि नहीं ये चीजें तो नहीं हो रही है, जब ये मुकाम आता है, ये एहसास होता है, तब वो तो लगता है कि अरे ये क्यों ऐसा है। एक बात और मेरी मेरे जहन में दोबारा साहिब जी को पढ़ते हुए आई समझ में, जो उनके जन्म परिचय में बात लिखी हुई है कि इनका जन्म बनारस के कबीर चौरा मोहल्ले में हुआ था, और पढ़ते हुए मैंने पाया कि सचमुच ये लेखक कबीर चौरा मोहल्ले का लेखक है। यहाँ मोहल्ले का अर्थ, मोहल्ले का प्रयोग में जो स्कूल शब्द चलता है, कबीर स्कूल के लेखक हैं ये। और ये क्यों वाला जो सवाल है, भाई कबीर भी तो एक बार बोले ना कि बोलना का कहिए रे भाई,
बोलत बोलत तत्व नसाई। ये बोलने का क्या फायदा, लिखने का क्या फायदा, ये सवाल कभी के सामने भी आया। तो एक बात तो यह कि विजय देवनारायण शाही की कविता और उनका जो गद्य है, आलोचनात्मक लेखन है, ये सब मिला के आलोचना का ही हिस्सा बनता है और एक गहरी आलोचनात्मकता उसमें दिखाई पड़ती है। और प्रेमचंद का वह वाक्य याद आता है जिसमें प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। तो कविता में भी एक आलोचनात्मक दृष्टि मौजूद है, लेकिन बात हमको और उस आलोचनात्मकता का संबंध कबीर के साथ है। और हम ये देख के थोड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि इनके साहित्य का जो ताना बाना बन रहा है, जो शब्दावली आ रही है, वह शब्दावली उसी टकसाल में ढल के निकली है जो कबीर चौरा मोहल्ले में पाई जाती है, कबीर के मोहल्ले में पाई जाती है। ये जो अवज्ञा परमो धर्म, और एक और बात मैंने महसूस की कि कबीर के रास्ते बहुत कुछ या कुछ कुछ बुद्ध की उपस्थिति भी विजय देव नारायण शाही के यहां है। जी सील जब लिख रहे हैं तो सील बुद्ध का शब्द है, और कविता के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ जो है आर्य सत्य, दुख जो है कविता का पहला आर्य सत्य है, ये बात कह रहे हैं। तो कबीर और बुद्ध कहीं ना कहीं इनके यहाँ कविता का आर्य सत्य दुख है, ये वाक्य है। हाँ, ये अगला है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही कहना है। तो एक कोई कुएं में गिर गया है, कोई एक आदमी कुएं में गिर गया है और उसका एक दुख लिए विजय देवनारायण शाही चल रहे हैं। और वह विजय देवनारायण शाही को जो मैं देखता हूं तो कबीर की वो पंक्ति याद आती है कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो एक जो ये क्यों है, उस क्यों का ये जो प्रश्न खुलता है, एक बार अशोक जी का ही एक निबंध याद आ रहा है, कविता से उम्मीद, और उस शीर्षक के बाद इन्होंने फैज को कोट किया, उसके बाद मैंने बाकी लेख किनारे रख दिया। कविता से उम्मीद शीर्षक लगाने के बाद इन्होंने फैज का जो शेर कोट किया था कि आस उस दर से टूटती ही नहीं, जाके देखा न जाके देख ले। तो एक नाउम्मीदी पैदा होती है, और विजय देवनारायण शाही साहित्य क्यों का सवाल उठाते हैं, लेकिन आप पढ़िए तो वो उम्मीद बनी भी रहती है। इसलिए वह क्यों बार बार आ, किसी ने वो सवाल उठाया था और बहुत समय जो है उसमें केवल इशारा करते हुए मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं कि ये जो एक व्यर्थता बोध भी है और उसी से उम्मीद भी करता हुआ एक लेखक हमारे सामने आता है। उसमें एक जगह है कहा कि साहित्य के जो प्रतिष्ठान बनते हैं और अगर सारे प्रतिष्ठान ध्वस्त कर दिए जाएं, तो साहित्य का क्या होगा।
फिर कहते हैं कि अगर साहित्य के सारे प्रतिष्ठान ध्वस्त कर दिए जाएं, तो मेरा पूरा यकीन है कि लेखक लोग मिल करके फिर से एक प्रतिष्ठान बना लेंगे। तो इसको पढ़ते समय मुझे मुक्तिबोध याद आते हैं कि तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सब। तो ये एक एक ऐसी प्रक्रिया की ओर ये बातें इशारा करती हैं कि मठ, गढ़, प्रतिष्ठान, सत्ता, एक 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 प्रस्तरीभूत संरचनाएं जो मनुष्यता को, मानवीय संवेदना को, साहित्य की संवेदना को कहीं ना कहीं सीमित करती हैं, वो संरचनाएं, साहिब जी के ही शब्द का इस्तेमाल करूं तो, अपराजेय व्यवस्था जैसी हैं, लेकिन उसी के साथ उनका एक दूसरा शब्द युग में याद आ रहा है कि उसको ध्वस्त करने का एक अपराजेय संकल्प भी उसके साथ साथ चलते रहना चाहिए और चल रहे। तो उनके भीतर ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं। और कोई कह रहा था कि ऐसे लगता है कि वो अपने को ही खारिज करते हुए, मतलब सुनी जी शायद बहुत या अखिलेश जी के कोई कह रहा था, खारिज करते हुए चलते हैं। तो जिगर मुरादाबादी का वो शेर मुझे याद आ रहा था कि जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाती। तो ये लेखक की और सच्चे और ईमानदार और कबीर वाले मोहल्ले के लेखक की ये व्यवस्था है, उसको चैन नहीं चाहिए, उसको एक बेचैनी चाहिए ही चाहिए। और बेचैनी चैन तब मिलेगा जब कोई एक, मान लीजिए आपने एक संरचना ध्वस्त कर ली, दूसरी संरचना बनाई और उस संरचना में आराम से आप रहने लगे तो आपको बेचैनी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो संरचना बन के तैयार हो रही है उसमें भी वही दिक्कतें आ रही हैं जो पहले की संरचना में थी, तो आप बेचैन हो उठते हैं। कबीर यूं ही घर जलाने की बात नहीं करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि लेखक कवि या बुद्धिधर्मी उसकी व्यवस्था है कि वह अपने घर को चलाता रहे, ध्वस्त करता रहे, तोड़ता रहे। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा जो प्रगतिशीलता के साथ, वो सब जो विचार था उस तरफ नहीं आऊंगा, उसका समय भी नहीं है। एक बात और, ठीक ही आपने गोदान वाले लेख का जिक्र किया, छोटे लेख है, लेकिन उस लेख की जो प्रविधि है जिसमें इतना छोटा सा लेख, चार पेज या छह पेज का लेख है, गोदान जैसी कृति जो क्लासिकल कृति है उस पर इतना बड़ा विचारक लिख रहा है और चार पेज का, साढ़े चार पेज, पांच पेज का लेख है, क्योंकि आलोचक विजय देव नारायण शाही की जो दिलचस्पी है वो इस बात में है कि रचना के भीतर से जो अंतर्ध्वनित होता हुआ सच है उस सच तक कैसे पहुंचा जाए, पर उसे पहुंचने की कोशिश वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और बहुत हद तक मुझे नहीं लगता कि देख रही है ना, बता दीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेमचंद के गोदान पर उतना संक्षिप्त और उतना सुगठित
और उतना सुपूर्ण कोई दूसरा लेख नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए कि जो रचना के भीतर का अंतर्ध्वनित होने वाला सत्य है, उस सत्य को करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है, और साहिल जी ने कई जगह ये बात दोहराई भी है, एक क्या करूं वाला सवाल भी वो बार बार उठाते हैं, क्या करूं, तो ये सवाल भी एक बेचैनी पैदा करने वाला सवाल है। और मैं अब क्या करूं, समय तो खत्म हो गया है। नमस्कार।